सो ए व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी नए वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में जिसमें आप अपनी कोडिंग स्किल्स को शोकेस करके काफी सारे गुडीज अर्न कर सकते हो। मान लो अगर आप ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने वाला है और उसको आप और आगे ग्रो कर उससे भी स्वैग्स रिडीम कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं ऐसे ही इवेंट की। अगर काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा भी होगा, काफी सारे लोगों को नहीं पता है ऐसा भी कुछ होता होगा, ठीक है। सो उनके लिए वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। सो मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सीधे चले जाता हूँ लीड कोड की इस ऑफिशियल पेज पे। तो यार लीड कोड जो है अपना 422 लीग कोड वीकली कॉन्टेस्ट लेके आ चुका है, जिसमें आपके पास चांस है कि जो फर्स्ट से थर्ड लेवल तक के लोग आएंगे उनको लीग कोड का बैकपैक मिलेगा, जो फोर्थ से टेंथ रैंक तक आएंगे उनको लीग कोड की वाटर बॉटल मिलेगी, जो 11 टू 16 आएंगे उनको जो है नोटबुक मिलने वाली लीड कोड की तरफ से। एज वेल एज मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है 200 लीड कोड कॉइंट्स मिलने वाले, एज वेल एज 35 कॉइंट्स आपको मिलने वाले बाई वीकली और वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के, ठीक है। अब भैया इन कॉइन्स का क्या होगा? तो यार आप जो है इस कॉइन्स को रिडीम कर सकते हो लीड कोड की ऑफिशियल पेज पे आके। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे स्वैग्स, जिसमें से आप जो है धीरे धीरे पॉइंट्स कलेक्ट कर यहाँ पे लीड कोड के ऑसम गुडीज को अर्न कर सकते हो। ना सिर्फ इतना, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर भी यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, एंड ये टाइम टू टाइम होते रहती है। आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या आपको अपडेट करना है, ठीक है। जब भी आप अपना फर्स्ट टाइम लीड कोड पर प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो आपको वहां पे पॉइंट्स के ऑप्शन दिखेंगे जिसको आप रिडीम कर सकते हो। एज वेल एज रोज अगर आप एक बार लीड कोड ओपन करते हो तो उसका भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है। एंड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कौन से क्वेश्चन, अगर आप प्रॉब्लम पे आके और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाने वाले हैं। जैसे मैंने जो है आज के दिन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा है, डिलीट कैरेक्टर टू मेक फैंसी स्ट्रिंग वाला, जो आज का लेटेस्ट लेटेस्ट इवेंट का था, ठीक है। सो आप देखोगे प्रोफाइल पर जाके तो मेरे को जो है इसका एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका होगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें, सो मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पे या पॉइंट्स पे, ठीक है, पॉइंट्स पे आके देखेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो आज के दिन मुझे जो ये चैलेंज कंप्लीट करने पे 10 पॉइंट मिले, ठीक है। अगर ऐसे ही आप कॉन्स्टेंटली 10 दिन करोगे तो 100 पॉइंट हो जाएंगे, 100 डेज करोगे तो 1000 पॉइंट्स बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। एंड इससे आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी एंड पॉइंट्स आपको मिलने वाले। अब अगेन आ जाते हैं अपने बैक कॉन्टेस्ट के ऊपर। तो मैंने बता दिया जो लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें उनको क्या मिलेगा। अगेन बात करते हैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लो अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है और आप अच्छी रैंक लेके आ जाते हो, ठीक है। सो मान लो अगर आप टॉप इतने में रहे तो आपको स्वैग्स मिलने ही है, ये तो कंफर्म है। 1 to 16 लोगों को तो स्वैग्स मिलने ही है, पॉइंट्स भी मिलने हैं, राइट। उनको हटाते हैं, मान लो आप इससे आगे वाली रैंक में है, ठीक है, 16 से ऊपर वाली रैंक में है, तो आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे 50 रैंक तक, अगर आपकी रैंक आ जाती है तो। अगर 51 टू 100 रैंक आई तो 100 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 101 टू 200 रैंक आई तो 50 पॉइंट्स एंड पार्टिसिपेट करने के 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 200 प्लस 5 पॉइंट्स, और अगर आपकी इनमें से कोई रैंक आ गई तो उसको भी ऐड कर लेना, प्लस ये 35 पॉइंट्स। तो ढेर सारे पॉइंट्स आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। रूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है हर रॉन्ग सबमिशन पे 5 मिनट का पेनल्टी मिलेगा। अब पेनल्टी का मतलब कुछ इस तरीके से समझो कि आपने एक बार सबमिट करा, मान लो वो गलत निकला, तो आपका टाइम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली रैंक नीचे आएगी। तो आपको एक बार में करेक्ट कोड लिख के उसको रन करना है, ठीक है। मान लो आप नहीं कर पाए, चीजें रन नहीं कर पाए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी, उसका सॉल्यूशंस भी आपको धीरे धीरे ये लोग प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एंड लेटर ऑन आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है। काफी सारी चीजें जो ये लोग डिटरमाइन करते हैं तो प्लीज इस चीज को फॉलो करना। और ये लोग हैवीली जो है जस्टिस एंड फेयरनेस पे बिलीव करते हैं, तो वॉलेशन का जीरो टॉलरेंस इनके इधर है, ठीक है। अगेन अगर आप कुछ करते हुए पाए गए तो आपके स्कोर रीसेट कर दिया जाएगा जीरो पे, जितने भी कॉइन्स है उसको जीरो कर दिए जाएंगे, एज वेल एज कॉन्टेस्ट एंड डिस्कशन से आपको 1 मंथ के लिए बैन कर दिया जाएगा। सेकेंड वॉलेशन कोर्स को अगेन कॉन्टेस्ट के स्कोर्स को रीसेट करके डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर मोर यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा 10 यूजर जो सबमिट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स अर्न करेंगे 20 लीड कोड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको लग रहा है, मतलब जैसे ही क्वेश्चन सबमिट होते हैं ना उनके डिस्कशन टैब में सॉल्यूशंस आते रहते हैं, चीजें आती रहती है। सो मान लो आपको लग रहा है कि यार ये तो कहीं से कॉपी करा हुआ है, तो अगर आप उसको रिपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें एंड काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। अब इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नॉर्मली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, कॉन्टेस्ट के एफएक्यू को आराम से बैठ के पढ़ लेना। बेसिक से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो मैं आपको फर्दर मोर करके नहीं बताऊंगा वो आप अपने एंड पे कर लेना, ठीक है। इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।